दहीसर विधानसभा के महायुति उम्मीदवार विनोद घोसालकर द्वारा गणपत पाटिल नगर में जाहिर सभा का आयोजन किया है। इस जाहिर सभा में मुख्य वक्ता के रूप में आम आदमी पार्टी की और दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद रहे। साथ ही मंच पर प्रियंका चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के मुंबई अध्यक्ष हाजी इब्राहिम शेख भाईजान, यूबीटी शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे, विनय शुक्ला, आम आदमी पार्टी से मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन के साथ विनोद घोसालकर, तेजस्वी घोसालकर, यूबीटी शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही इस जाहिर सभा में वार्ड क्रमांक एक के हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। संजय सिंह ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने देश के युवाओं बेरोजगार बना दिया है। मोदी ने मुंबई के नए प्रोजेक्टों को गुजरात में शिफ्ट कर दिया। मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं, महाराष्ट्र की जनता सब जान चुकी है। जो जनता का प्रतिसाद मिल रहा है वो स्पष्ट करता है कि महाविकास अघाड़ी जीत की ओर है और उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी फिर से मुख्यमंत्री स्थापित होंगे, क्योंकि ये जनता का उनके लिए प्रेम है, जनता का उनके लिए विश्वास है। उनके कार्यकाल में उन्होंने काम देखा है, उनके साथ होता हुआ गद्दारी देखा है, जो ना महाराष्ट्र की संस्कृति का हिस्सा है ना हमारे धर्म का एक हिस्सा है। तो इन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए आप देख रहे हैं कितना एक उत्साहित माहौल है। जनता हमारी आवाज़ सुनकर और 20 तारीख को मशाल को वोट कर और महाविकास अघाड़ी को भेजेंगे। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे वो डरपोक लोग हैं और जब जब ये डरते हैं ईडी, ईसी, इनकम टैक्स, सीबीआई को आगे करते हैं। इन डरपोक लोगों से ना हम डरे हैं, हम डटकर लड़े हैं और यही उद्धव साहब कर रहे हैं। मैं उनको खुली चुनौती देती हूँ कि अगर होगी हिम्मत तो चेकिंग अपनी भी कराएंगे। आज उनके फ्लाइट हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ करने से भी रोका गया है, यानी आप समझ सकते हैं वो देख रहे हैं। कहते ना राइटिंग इज ऑन द वॉल, इनकी चार दिन की चांदनी अब अंधेरी रात होने वाली, अमावस की रात बनने वाली है। इसलिए डरे हुए, घबराए हुए ईडी को, इलेक्शन कमीशन को आगे करें। मैं इलेक्शन कमीशन को खुली चुनौती देती हूँ कि अगर उनमें दम है तो आज वो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री की भी हेलीकॉप्टर की चेकिंग करें। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी उत्तर भारत का हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी भी उत्तर भारत से हैं और ये बड़ी खुशी हुई देख के कि इस बार मराठी मानुस और उत्तर भारती एक साथ मिलके वोट कर रहे हैं और विनोद घोसालकर जी को यहाँ से उत्तर भारत के लोग हों, महाराष्ट्र के लोग हों, यहाँ क्षेत्र की जनता सब मिलकर हाथ में मशाल लेके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और बीजेपी को हराने का काम करेगी, शिंदे की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। यहाँ जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी सौतेली माँ जैसा व्यवहार महाराष्ट्र के साथ कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए की योजना उठा के गुजरात लेके चले गए, जिस तरह से आज उद्धव ठाकरे जी को अपमानित किया जा रहा है, रोज रोज उनका हेलीकॉप्टर चेक करते हैं, आप मराठी स्वाभिमान और अस्मिता के प्रतीक उद्धव ठाकरे को रोज अपमानित करते हैं, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मराठियों को डरा के आप रखेंगे? इसलिए सब मिलकर इस बार महायुति को हराएंगे, महाविकास अघाड़ी को जिताएंगे और 3,000 रुपये प्रतिमा माताओं बहनों के लिए जो घोषणा की है महाविकास अघाड़ी ने, उस वादे को पूरा करेंगे। तो मैं विनोद जी के लिए आज प्रचार करने आया था और इस क्षेत्र में आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उत्तर भारत के लोग जुटे, सब मिलके एक साथ हाथ में मसाल लेके और इनकी पहले नंबर पे बटन भी है, उस बटन को दबा के यहाँ भ्रष्टाचार के शासन का, खोखा खोखा वाले शासन का अंत करेंगे। देखिए महाविकास अघाड़ी के त्याच्यामध्ये आपले आणि शिवसेनेच्या प्रियंका चतुर्वेदी ह्या आपल्या वक्त आहेत आणि या रेल्वे विधानसभेमध्ये त्या मला समर्थन देण्यासाठी त्या झाल्या होत्या। आज दहिसरची माझी पूर्ण एक फेरी पूर्ण झालेली आहे आणि 20 तारखेला होणाऱ्या मतदानामध्ये मोठ्या मताने जिंकून येईल असा मला अंदाज आहे। मी माझा वचनबद्धता जाहीर केली आहे, सगळ्यामध्ये त्या काही बोलल्या तरी
पते हैं यार, लोग का प्रतिनिधि होने के चाहिए।